हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपको पढ़ाएंगे थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन। थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन जो दिया वो अर्नेस्ट मेयर ने दिया। अर्नेस्ट मेयर ने थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन दिया, उसमें जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो ऑलवेज फिक्स होता है, प्लांटी और एनिमेलिया कॉन्स्टेंट है। उन्होंने इसमें प्रोटिस्टा को ऐड किया। प्रोटिस्टा में इन्होंने ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं उन्हें ऐड किया। इन्होंने दिया थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। फिर आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया वो 20 सेंचुरी में डार्विन ने दिया, 1956 में। उन्होंने एनिमेलिया प्रोटिस्टा और प्लांटी को एज इट इज रखा। उन्होंने इसमें मोनेरा ऐड किया और मोनेरा में जो आते हैं ऑल सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स को रखा उन्होंने। फिर आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तो सब जाते हैं। उन्होंने वो फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया वो व्हिटेकर ने दिया 1969 में। उन्होंने मोनेरा और सिंगल सेल जो प्रोकैरियोट्स आते हैं या बैक्टीरिया इसी में आते हैं, और सिंगल सेल यूकैरियोट्स आते हैं, फंजाई में हेटरोटॉप्स होते हैं, एनिमेलिया और प्लांटी। फिर उन्होंने इसका जो मेन क्राइटेरिया क्या था, व्हिटेकर का मेन क्राइटेरिया था कि सेल स्ट्रक्चर के बेस पे दिया, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बेस पे दिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे दिया, रिप्रोडक्शन को बेस रख के दिया और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप जो होता है उसके बेस पे दिया। फिर आता है कार्ल वूज ने क्या किया, सिक्स किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया कार्ल वूज ने दिया। उन्होंने क्या किया, जो मोनेरा था उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को बैक्टीरिया और एक में आर्किया, और जो तीसरा रखा उन्होंने यूकैरिया। थ्री पार्ट में डिवाइड करने के बाद मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड किया, बैक्टीरिया और आर्किया, और जो बचे यूकैरिया। यूकैरिया में उन्होंने रखा प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई और प्रोटिस्टा। थैंक यू।